तूफान से हुई आफत की बारिश से देश के 20 राज्यों में भयानक तबाही मची है। अगस्त के पहले हफ्ते में भी पहाड़ी राज्यों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिससे जल प्रलय की खौफनाक तस्वीरें नजर आ रही हैं। बाढ़ बारिश की विनाश लीला के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। आसमान से बरसती आफत से देवभूमि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर ओडिशा तक नदियों का पानी देखिए कैसे उफान मारने लगा है। सैलाब का पानी कहर बरपाता हुआ शहर से लेकर गांव की गलियों में उफनती नदियों की तरह बह रहा है। बाढ़ के पानी में लोगों के घर बार डूब रहे हैं। शहर शहर सड़कों पर समंदर नजर आ रहा है। सड़कों और पुलों के ऊपर से बारिश के उफान मारते बह रहे नदी नालों के पानी के सामने जो भी आ रहा है, सैलाब का पानी देखिए कैसे अपने साथ उसे बहा कर ले जा रहा है। बाढ़ बारिश की विनाश लीला की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों को देखकर लोगों का कलेजा कांप रहा है। बादल फटने और पहाड़ों की दरकने से लैंडस्लाइड का मलबा देखिए कैसे निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। बादल फाड़ तबाही की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश और बादल फटने से देखिए कैसे पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थरों और सैलाब के साथ आया मलबे और कीचड़ का ढेर सड़क से गुजर रही कार को अपनी चपेट में ले लेता है। उफान मारते सैलाब ने रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में मयाली तिनख्यूर कोटी रोड पर तांडव मचाने के साथ कुछ देर बाद कार समेत ड्राइवर को बहा कर ले गया और वीडियो बना रहे लोग बस देखते ही रह गए। आफत की बारिश से सड़कों पर उफान मारते सैलाब के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान मारते हुए सड़कों और पुलों से लेकर शहर के रिहायशी इलाकों में बह रहे हैं। अजमेर जिले के खानपुरा तालाब बारिश से लबालब होकर सड़कों के ऊपर से उफान मारती नदी की तरह बहने लगा, तो देखिए कैसे बुलेट और बाइक पर सवार दो शख्स अपनी जान दांव पर लगाकर सैलाब को पार करने लगे। चंद मीटर दूर जाने के बाद सैलाब के प्रचंड प्रहार से बाइक सवार बाढ़ के पानी में बहने लगा, जबकि बुलेट पर सवार शख्स हिचकोले खाते हुए नदी को पार कर गया। सैलाब में बाइक सवार को बहता देख मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। तब देखिए कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर बाढ़ में डूबने से पहले युवक को पीछे से पकड़ लिया और सैलाब के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले शख्स को बाइक समेत बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाढ़ की विनाश लीला की रूह कपाने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंडला जिले की हैं। भारी बारिश से मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान मारने लगे हैं। देखिए कैसे मंडला में पुल के ऊपर से उफान मारती बह रही नदी का पानी सब कुछ बहा ले जाने को आतुर नजर आ रहा है। मो गांव के रोहा नाला में अचानक आई बाढ़ से तीन लोगों की जिंदगी पुल के ऊपर बहते सैलाब में फंस गई। सैलाब के प्रचंड प्रहार के आगे फंसे दो शख्स और एक महिला का कोई जोर नहीं चला। जान बचाने के लिए तीनों ने एक दूसरे को जोर से पकड़ लिया, लेकिन जब तक तीनों के पास मदद का हाथ पहुंच पाता उफान मारती नदी का पानी तीनों को अपने साथ बहा कर ले गया। बताया जा रहा है कि पुल के ऊपर दो फीट बहते पानी के बीच तीनों जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे थे, तभी बाढ़ में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने सैलाब में फंसे दोनों शख्स को तो बचा लिया, लेकिन महिला का फिलहाल पता नहीं चल सका है। उफान मारती नदी के साथ जान से खिलवाड़ करने की दूसरी तस्वीर भी मंडला जिले की है। बारिश से उफनती मटियारी नदी में बहते लकड़ी को निकालने के लिए कूदना एक शख्स की जान पर भारी पड़ गया। बारिश और बाढ़ से कहर बरपाते हुए बह रही मटियारी नदी का प्रहार इतना तेज था कि देखिए शख्स कैसे पानी में बहती पेड़ की लकड़ी को पकड़ने के लिए कुछ देर तक हाथ पांव मारने के बाद सैलाब के पानी में समाता चला गया। सैलाब में बहे शख्स का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। बाढ़ के विनाश लीला की हाहाकारी तस्वीरें मध्य प्रदेश के दतिया जिले की हैं। भारी बारिश से दतिया जिले के भी नदी नाले उफान पर हैं। फिर भी लोग सैलाब के साथ जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए कैसे उफनते सैलाब को पार करना एक शख्स को भारी पड़ गया। पुल के ऊपर से उफान मारते हुए बह रहा सैलाब का पानी बाइक समेत लड़के को बहा कर ले जाने लगा।
गनीमत रही कि बाढ़ में सामने से पहले मौके पर मौजूद लोगों ने बाइक समेत लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बारिश से हसापुर बांध का जलस्तर बढ़ने से दतिया के कई इलाकों में लोगों के घर बार और सड़कों के साथ खेत खलिहान बाढ़ के पानी में डूब रहे हैं। सैलाब के साथ जिंदगी से खिलवाड़ करने की दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की है। देखिए कैसे सड़कों पर उफान मारते सैलाब को पार करना बाइक सवार शख्स की जान पर भारी पड़ गया। देखिए कैसे सैलाब का पानी बाइक सवार को बहा कर ले जाने लगा। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने शख्स की जान बचा ली, लेकिन बाइक पानी में समा गई। आसमान से हो रही आफत की बारिश से उफान मारती नदियों के पानी में लोगों के घर बार के साथ भगवान का मंदिर भी डूब रहा है। बाढ़ की विनाश लीला की हाहाकारी तस्वीरें ओडिशा के कटक के मां भट्टारिका मंदिर की हैं। मूसलाधार बारिश से उफान मारती महानदी का पानी भट्टारिका मंदिर के शिखर तक पहुंचने लगा है। ऐसा लग रहा है मानो उफनाती महानदी कटक से 100 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल देवी मां भट्टारिका को अपनी आगोश में समाने पहुंची है। ओडिशा में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी होने से 12 जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आसमानी आफत से उफान मारती महानदी का पानी ओडिशा के कटक में तबाही मचा रहा है। महानदी के रौद्र रूप को देखकर मछली पकड़ने वाली नाव रस्सी के सहारे किनारों पर बंधी है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ मछुआरे देखे कैसे जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने में जुटे हैं। ओडिशा में बीते एक हफ्ते से हो रही मूसलाधार बारिश से महानदी पर बने हीराकुंड बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी से लबालब भरे हीराकुंड डैम का पानी ओवरफ्लो होने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तब हीराकुंड डैम के 34 गेट खोलकर बाढ़ का पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। संबलपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध के पीछे विशाल डैम है जो एशिया का सबसे बड़ा जलाशय है। टीम न्यूज नेशन। आफत की बारिश